अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम भिंडी कैरी की रेसिपी बनाएंगे। भिंडी कैरी के लिए हमें भिंडी अच्छे वाली आधा किलो, प्याज एक अदद कटी हुई और कच्ची कैरी एक अदद कटी हुई, पक्की कैरी एक अदद कटी हुई और दो अदद टमाटर कटे हुए, कटी हुई में ग्रीन मिर्च दो तीन अदद, कुटी हुई मिर्च आधा टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा टेबल स्पून, अदरक लहसुन कूटा हुआ 1 टेबल स्पून। अब हम कढ़ाई में 2 टेबल स्पून बड़े चम्मच डालेंगे ऑयल। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को हम ब्राउन करेंगे। मिक्स वेल, मिक्स वेल। अब हम टमाटर डालेंगे, मिक्स वेल। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, धनिया कूटी मिर्च, मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक हस्बे जायका, मिक्स वेल। अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक हमारा टमाटर गल जाए। अब इसमें हम पानी डालेंगे, मिक्स वेल। अब इसमें हम पक्की कैरी और कच्ची कैरी डालेंगे, भिंडी डालेंगे। अब हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको 3 से 4 मिनट इसको हम पकाएंगे हल्की आंच पर। मिक्स वेल। अब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालेंगे, मिक्स वेल। अब हम कवर करेंगे हांडी को, 15 मिनट कवर करेंगे हल्की आंच पर पकाएंगे। अब हम कवर उतार कर ग्रीन मिर्च डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। फिर हम हांडी को कवर कर देंगे 15 मिनट और हल्की आंच पर। अब हमारी कैरी भिंडी तैयार है। अब हम स्टोव को ऑफ करेंगे, फिर डिश आउट करेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को और वीडियो मेरी शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी मुलाकात होगी। सो अपने बच्चों का, अपने बड़ों का अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।